लेट अस स्टार्ट आवर क्लास क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट SST। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पेज नंबर 39 तक एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको पेज नंबर 40 से एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल लाइफ। द ग्रासलैंड आर होम टू वेराइटी ऑफ रोडेंट्स। दीज आर बर्रोइंग एनिमल्स डैट लिव इन द ग्राउंड। दे हैव शार्प टीथ डैट अलाउ देम टू गैदर एट ग्रास आइटम एंड रूट्स। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स डैट लिव इन ग्रास लैंड आर द हियर रैबिट्स माउस रैट पैररी डॉग एंड हैमेस्टर। ग्रास लैंड डिफरेंट टाइप्स के रोडेंट्स, यानी कि रोडेंट्स को हम लोग बोलते हैं कृंतक। तो ग्रास लैंड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के रोडेंट्स का घर होता है। ऐसे एनिमल जो पाल रहे हैं, जो जमीन में रहते हैं, उनको यहाँ पे पाला जाता है। उनके पास शार्प टीथ होता है जो उन्हें ग्रास के स्टेम एंड रूट्स को कुतरने की अनुमति देते हैं। इन एनिमल के कुछ एग्जांपल्स हैं जो ग्रासलैंड में रहते हैं, जैसे रैबिट, हियर, माउस, रैट, प्रेरी डॉग एंड हैमस्टर हैं। लार्जर ग्रेजिंग एनिमल्स आल्सो लिव इन द ग्रासलैंड। एग्जाम्पल इंक्लूड डियर एंड एंटीलोप। द बेसिन वॉज द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बट इट इज प्रोटेक्टेड स्पीसीज नाउ। एनिमल्स सच एज द लायन, लेपर्ड, चीता, जिराफ, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस एंड एंटीलोप आर फाउंड इन द वाइल्ड एरियाज। बड़े बड़े ग्रेजिंग करने वाले एनिमल की ग्रासलैंड में रहते हैं। एग्जाम्पल में डियर, एंटीलोप भी शामिल है। बाइसन कभी कभी नॉर्थ अमेरिका की प्रशंसा में पाया जाने वाला सबसे कॉमन एनिमल था, लेकिन यह अब एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। लायन, लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ। लायन, लेपर्ड, चीता, जिराफ, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस एंड एंटीलोप जैसे एनिमल बड़े इलाकों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड आर होम टू कंगारूज, वॉल्बीज एंड कोयल्स। और ग्रासलैंड जो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड है वो कंगारूज, वॉल्बीज एंड कोयल्स के घर भी हैं। अदर एनिमल्स डैट लिव इन द ग्रासलैंड आर स्नेक्स, आउस, हवाक्स एंड फॉक्सेस। अदर एनिमल्स जो ग्रासलैंड में रहते हैं जैसे स्नेक, आउस, हवाक्स एंड फॉक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन लाइफ। यहाँ का ह्यूमन लाइफ कैसा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग दिस रीजन क्लाइमेट आर कैरिड आउट इन दिस रीजन। दिस एरिया इज आल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड एंड कल्टिवेशन इज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली इज मैकेनाइज फैशन। हियर मॉडर्न फॉर्म कॉल्ड रैंचेस आर रन बाई फार्मर। द सॉइल ऑफ द ग्रास लैंड इज एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर। इन फैक्ट द पैररीज इन नॉर्थ अमेरिका आर सो फर्टाइल डैट दिस एरिया इज नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे फूड क्रॉप जैसे इस क्षेत्र की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज इस क्षेत्र में की जाती है। इस एरिया को ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एंड कल्टीवेशन खेती जो होता है मैकेनाइज्ड फैशन में बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ के मॉडर्न फॉर्म को रैंचेस कहा जाता है, जो ग्रासलैंड का सॉइल एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ का जो ग्रासलैंड है वहाँ का सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है। एक्चुअल में नॉर्थ अमेरिका में फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, इसलिए इस एरिया को वीट ऑफ बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। मैनी फूड क्रॉप्स इंक्लूड्स कॉर्न, सोयाबीन, वीट एंड अदर ग्रेन्स आर ग्रोन हियर। और यहाँ पे बहुत सारे फूड क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, जैसे कॉर्न, सोयाबीन, वीट एंड अदर ग्रेन्स भी यहाँ पे ग्रो करते हैं। वेरियस काइंड ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन द पैररीज अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स, लाइव स्टॉक फार्मिंग, रेजिंग एनिमल्स फॉर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इज पॉपुलर एज वेल एज हियर एज आल्सो इन द पैम्पस, पैररीज एंड डाउन्स। यहाँ पे
यहाँ ग्रो करते हैं फूड क्रॉप्स के अलावा यहाँ पे एनिमल्स की भी खेती की जाती है, एनिमल्स को भी पाला जाता है, मांस एंड डेयरी प्रोडक्ट के लिए एनिमल्स को भी यहाँ पे पाला जाता है और ये लोकप्रिय है यहाँ के लिए, और साथ ही साथ पैम्पस प्रेरी एंड डाउंस में भी ये पॉपुलर है। न्यूजीलैंड इज अ फेमस फॉर दिस डेयरी फॉर्म्स इन द डाउन इन द पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना कैटल इज राइज्ड एंड फॉर्म कॉल्ड एसेंटिशियस अर्जेंटीना काउबॉयज कॉल्ड गाउच आर क्वाइट फॉर्म्स फॉर दियर हॉर्स राइडिंग स्किल्स। अर्जेंटीना इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स। न्यूजीलैंड अपने डेयरी फार्म के लिए फेमस है। अर्जेंटीना में पैम्पस मवेशियों को एस्टेशियन नामक खेतों में पाला जाता है। अर्जेंटीना के काउबॉय जिन्हें गोचोस कहा जाता है अर्जेंटीना मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। कल्टीवेशन ऑफ बीट एंड शिप फार्मिंग आर प्रैक्टिसड इन ऑस्ट्रेलिया। बीट फार्मिंग एंड शिप रैंचिंग इज कैरिड आउट ऑन द सेम फॉर्म। द शिप आर फेड ऑन द स्टार्क ऑफ बीट एंड इन इट टर्न दे प्रोवाइड द फर्टिलाइजर फ्रॉम द बीट फील्ड्स। ऑस्ट्रेलिया में बीट एंड शिप की खेती का प्रैक्टिस किया जाता है। शिप को बीट की डंटल पर खिलाया जाता है और बदले में वे बीट के खेतों के लिए फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। इन सम ग्रासलैंड देयर आर नोमैडिक ट्राइब्स हु कैरी ऑन विद देयर ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। द किर्गिज ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेपीज वेंडर विद देयर हियर्ड ऑफ सीप गोट्स कैटल एंड हॉर्स। द होटेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका वेल्ड्स लीड नोमैडिक लाइफ स्टाइल रियरिंग कैटल सीप एंड गोट्स। कुछ ग्रासलैंड में नोमैडिक ट्राइब्स खानाबदोश जनजातियाँ होती हैं जो आसानी से ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल के साथ चलती हैं। सेंट्रल एशिया स्टेपीज के कर्मीज शिप गोट मवेशियों एंड हॉर्स के ग्रुप के साथ घूमते हैं। साउथ अमेरिकन वेल्ड हॉटनोट्स नोमैडिक लाइफ स्टाइल एनिमल शिप एंड गोट्स का पालन करते हैं। अमेरिका की इंडियन साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले मवेशी होते हैं लेकिन अब मॉडर्न अमेरिकी सोसाइटी का भी ये पार्ट बन गए हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।